स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल आर के नाले में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि डॉक्टर इंजेक्शन कैसे लगाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन। अब डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन दो तरह से लगाता है, एक होता है आईवी और एक होता है, ये आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रावेनस। और आईएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा मस्कुलर। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इसको बोलेंगे नसों में, इसको क्या बोलेंगे, मांस में। अब किस तरह से लगाता है देखिए, इसका डिफिनेशन देखिए। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इतना जो है जो सुई बोलते हैं यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं क्या, नीडिल। और इसे बोलते हैं क्या, सिरेंज। इसे इतना बोलते हैं सिरेंज। अब ये क्या होती है, इस सुई जो सुई जिसे नीडिल बोलते हैं, इसमें सुई है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, खोखली सुई। इसमें अंदर से खोखला होता है, खोखली सुई। अब देखिए पहले का डिफिनेशन, आईवी का डिफिनेशन। जब डॉक्टर पेशेंट के यानी मरीज को इंजेक्शन लगाता है नसों में, तो वो इस रिंज में द्रव पदार्थ रहता है यानी कि दवा रहता है, उसे पिचकारी मारते हुए शरीर पेशेंट के शरीर में बॉडी में प्रवेश करता है। इस तरह अब इस ऑप्शन को दबाता है डॉक्टर, तो धीरे 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 इस खोखली सुई यानी नीडिल और इंजेक्शन के माध्यम से वो पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। अब बात आता है यहाँ पे, ये आईएम का, आईएम मतलब आईएम में कैसे होता है। अब आईएम में भी उसी तरह से होता है कि द्रव पदार्थ को जब ले लेंगे उसमें सुई में या इंजेक्शन में भर लेंगे, तो ये जो इतना है जिसे बोलते हैं हम लोग सुई नीडिल, ये खोखली होती है, खोखली के माध्यम से, और इसको दबाएंगे तो उस पिचकारी के माध्यम से उसके मांस पे जाएगी, जिस जहाँ पर मतलब कि मांस वाली जगह पर सुई या इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट बताएं कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।